वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग जो सीखने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। सो फ्लटर में बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट्स होते हैं, लाइक ब्लॉक, प्रोवाइडर, रिवर पॉड। सो आज हम देखने वाले हैं गेटेक्स के बारे में, ठीक है। गेटेक्स भी एक तरह का स्टेट मैनेजमेंट ही है, जिसके थ्रू हम जो है डेटा को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आज हम प्रॉपर एक ऐप बनाएंगे और जिसके थ्रू देखेंगे हम गेटेक्स स्टेटमेंट आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो जल्दी फटाफट से आपका जो भी आइडिया आप यूज़ करते हो जिसमें फ्लटर इंस्टॉल्ड है, सो उसको ओपन कर लीजिए। सपोज़ मैं कर रहा हूँ वी एस कोड, ओके। सो ये है मेरा वी एस कोड, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है। सो मैं जल्दी फटाफट से इसे हटाता हूँ और एक नया जो है प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा, मैं लूँगा नया विंडो, ठीक है, और हमारे प्रीवियस जो विंडो है उसको मैं कर दूँगा कैंसिल। और अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बिल्कुल एक फ्रेश विंडो ओपन हो चुका है और हम जो है यहाँ पर बनाने वाले हैं भैया हमारा नेक्स्ट फ्लटर प्रोजेक्ट, ओके। सो ये मैंने सारे विंडोज़ क्लियर कर दी यहाँ से, ठीक है, एंड यहाँ से डॉक्यूमेंट भी क्लियर कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको आपकी बेसिक कमांड जो आप यूज़ करते हो हमेशा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, सो वो हम यहाँ पे टाइप करते हैं, वो है फ्लटर क्रिएट। जो भी आप ऐप का नाम देना चाहते हो, सपोज़ मैं देऊँगा गेटेक्स डेमो। सो हम जो है गेटेक्स का एक डेमो जो सीख रहे हैं कि गेटेक्स स्टेट मैनेजमेंट आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक है। सो मैंने इसको नाम दिया है गेटेक्स डेमो एंड हिट एंटर। सो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, ये हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है यहाँ पे विथ गेटेक्स डेमो। सो कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हमें एरर्स आता है, ठीक है। सपोज अगर मैंने कुछ नाम दिया फ्लटर क्रिएट गेटेक्स डैश डेमो, ओके, सो ये मुझे एरर देगा, ठीक है। सो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं हो सकते, आप कैमल केस यूज़ कर सॉरी आप जो है स्नैक केस यूज़ कर सकते हो, लाइक जस्ट अंडरस्कोर लाइक अंडरस्कोर दिस। सो आपका प्रोजेक्ट का नाम कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। सब इट क्लीन टर्मिनल करता हूँ क्लीन। अब मैं जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में जिसका नाम है सी डी गेटेक्स अंडरस्कोर डेमो, यानी हम चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं गेटेक्स डेमो में, और ये आ गया हूँ मैं अपने गेटेक्स डेमो में, ओके। सो यहाँ पर मल्टीपल प्रोजेक्ट से अब हमें अपना प्रोजेक्ट ढूंढना है गेटेक्स डेमो, सो ये ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम एम्युलेटर पर रन करके चेक करेंगे कि भाई हमारा प्रोजेक्ट आखिर है कैसा, लाइक बेसिक जो हमारा ऐप होता है जिस पे हमारा काउंटर ऐप होता है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। सो ये हमने एम्युलेटर हमारा क्रिएट कर लिया है एंड एम्युलेटर हम रन करेंगे, ओके। सो एम्युलेटर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ प्लेस कर देता हूँ सो देट हम पैरेलली दोनों स्क्रीन विजिबली देख पाएँ, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बेसिक एमुलेटर है आईफोन का, क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप एंड्रॉइड यूज़ करें तो आपके पास एंड्रॉइड का एमुलेटर होगा, ओके। सो ये हमारा एक बेसिक ऐप यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अगर मैं इसे रन करूँ फ्लटर रन, फ्लटर रन बेसिकली कमांड है जिसके थ्रू आप हम फ्लटर जो ऐप होती है उसे रन करते हो, जो भी एमुलेटर है आपका फिजिकल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसमें। ये हमारा बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट ऐप हर प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करते हो कभी भी, सो ये आता है काउंटर ऐप जिस पे आप क्लिक करके जो है देख सकते हो कि वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है। सो ये बेसिकली बना हुआ है सेट स्टेट से, स्टेट स्टेट भी एक टाइप का स्टेट मैनेजमेंट ही होता है, बट वी आर यूजिंग गेटेक्स। अब गेटेक्स क्यों एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू सेट स्टेट, क्योंकि सेट स्टेट क्या करता है, पूरा यूआई रीबिल्ड करता है, बिकॉज इसका जो क्लास होता है वो स्टेटफुल विजेट होता है, ठीक है। और हम जो गेटेक्स यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे स्टेटलेस विजेट्स। सो क्या है, हमारा यूआई हम उन्हीं कंपोनेंट्स को रीबिल्ड करेंगे जिसकी हमें नीड है, हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो सेम काउंटर ऐप हम गेटेक्स से बनाएंगे और आप देखेंगे कितना एफिशिएंटली जो है डेटा को हम मैनेज कर सकते हैं। साथ ही इसी के साथ हम सीखेंगे कि भाई मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं गेटेक्स में। सो बने रहिए, ये मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है, रनिंग एक्सकोड बिल्ड। स्टार्टिंग में अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, बट जैसे जैसे आपका एक बिल्ड प्रिपेयर हो जाएगा देन आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा। और कहीं ना कहीं डिपेंड भी करता है आप कौन सा सिस्टम या पीसी यूज़ कर रहे हो। सपोज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैकबुक, सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो है देखने को मिल रही है, वरना जो फर्स्ट बिल्ड होता है आप में उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं मोस्ट ऑफ़ द पीसीज फ्लटर के लिए, ठीक है। सो ये हो गया, उससे पहले आपको कुछ डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। सपोज़ गेटेक्स की डिपेंडेंसी मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्रोम पे, ओके। सो क्रोम पे हम देख लेते हैं भाई गेटेक्स को, और मैं आपको एक शॉर्टकट भी दिखाने वाला हूँ, गेटेक्स पैकेज फ्लटर, ओके। सो
सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा गेटेक्स गेट पैकेज है, जिसमें सारा आपको कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, कैसे यहाँ पर नेविगेशन के लिए प्री डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें दी हुई है, स्नैक बार के लिए और काउंट और जो भी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टोरेज गेट स्टोरेज आप लोकली डेटा स्टोर करना हो तो। सो ये डॉक्यूमेंटेशन या पैकेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हो, एंड यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है 4.6 पॉइंट, उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आप जो यहाँ पे रीड कर सकते हो इजीली। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं एंड उसे अपने pubspec.yaml में पेस्ट करते हैं, ठीक है। बट मैं अगर आपको एक शॉर्टकट दिखाऊं पैकेज किसी भी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए, सो क्या होगा, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए होगा कमांड शिफ्ट पी, ओके, और अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए होगा कंट्रोल शिफ्ट पी। जैसे आप इसको हिट करोगे आपके पास एक ये विंडो ओपन हो जाएगा, एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डार्ट एड डिपेंडेंसी, या आप सर्च कर सकते हो एड डिपेंडेंसी और जिस पर आप क्लिक करोगे अब आप डार्ट के सारे पैकेजेस यहाँ पर देख सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। सपोज़ मैं यहाँ पर करूँगा गेट, और जैसे ही मैंने इस गेट पर सिलेक्ट किया कि ऑटोमेटिकली जो है गेट पैकेज मेरे लिए इंस्टॉल कर देगा अपने pubspec.yaml में। सो मुझे कोई कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी पैकेज को, और आप देख सकते हो लेटेस्ट पैकेज वही जो हमने अभी देखा इसने मेरे लिए इंस्टॉल कर दिया। सो ये एक सिंपल शॉर्टकट था जिसके थ्रू आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी फॉर विंडोज एंड कमांड शिफ्ट पी फॉर मैक। हमारा ऐप जो है यहाँ साइड में रन हो सकता है काउंटर, जैसे मैं इस फ्लोटिंग बटन पर क्लिक करता हूँ, इसकी इंक्रीज़ हो रही है वैल्यूज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम ऐप को हम बनाएंगे या इसी टाइप का ऐप हम बनाएंगे गेटेक्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड करना। पहले हम इंपोर्ट करेंगे material.dart को, ठीक है, इसमें सारे जो भी प्री डिफाइंड चीज़ें होती है फ्लटर की वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा एक्चुअल ऐप रन होता है, ठीक है। सो void main run app, my app, आप कुछ भी नाम यहाँ पर दे सकते हो, मेक श्योर आप इसे नीचे डिफाइन करो। अब मैंने लिया स्टेटलेस क्लास, ओके, इसको मैंने दे दिया my app ऐप, और अब हम लेंगे मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप हम बेसिकली क्यों लेते हैं द स्टार्टिंग, बिकॉज हमारे जो विजिट ट्री है उसको पता चल जाता है कि हमारा ऐप का बिगनिंग जो है आफ्टर मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सो अब मटेरियल ऐप क्यों, सो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट मटेरियल ऐप यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे ऐप को पता चल जाए, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे गेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, गेट डिपेंडेंसी, तो हम इसके आगे लगाएंगे गेट, ठीक है। अगर आप गेट नहीं यूज़ करोगे तो आपका जो भी आप राउटिंग या फंक्शंस एक्सेस करने वाले हो गेट के थ्रू वो वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया गेट मटेरियल ऐप, एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे दूंगा होम, होम हमारा होगा सिर्फ होम पेज, होम पेज, और हम होम पेज भी एक ही स्क्रीन पर बना लेते हैं ताकि आपको अलग अलग स्क्रीन के साथ कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये होम पेज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ग्रेट, ठीक है। अगर मैं इसको शिफ्ट आर से होट रिलोड करूँ तो मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन आ गई है, ठीक है, ये प्लेस होल्डर है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं करूँगा एक स्कैफोल्ड लूँगा, उस स्कैफोल्ड में एक ऐप बार लूँगा, उस ऐप बार में टाइटल दूँगा, टाइटल क्या दूँगा, मैं दूँगा गेटेक्स का डेमो ऐप है, तो गेटेक्स डेमो, एंड अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेटेक्स का डेमो आ गया ऐप बार में, एंड हमारा स्कैफोल्ड जो है प्रिपेयरली हो गया है, इसलिए वाइट कलर आ गया, ओके। अब ये जो हमें बैनर दिख रहा है डीबग का, इसे भी हम बेसिकली बहुत ही इजी तरीके से हटा सकते हैं। आपको करना है डीबग शो चेक बैनर, इसको करना है आपको फॉल्स, जैसे आप करोगे आप रन करोगे ये बैनर यहाँ से हट जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी अच्छी तरह से चीज़ें आने लगेगी। ये मैंने किया बॉडी सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, या आप कुछ और ले सकते हो, सपोज़ अभी के लिए सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू ना ले सकता हूँ, मैं लेता हूँ कॉलम, ठीक है, मैं लेता हूँ सेंटर, सेंटर में एक चाइल्ड जिसका नाम होगा टेक्स्ट, टेक्स्ट में हमारी होगी यहाँ पे काउंटर की वैल्यू, काउंटर की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, सेंटर में यहाँ पे, ठीक। और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन भी था, सो हमें एक बटन भी क्रिएट करना है। मैं क्या करूँगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन, फ्लोटिंग एक्शन बटन प्रेस करने पे क्या हो, कुछ ना कुछ तो होगा, ओके। सो यहाँ तक हमारी चीज़ें जो है फाइनली डन हो चुकी है, एक बटन को आइकन भी दे देते हैं हम, ठीक है,
तो इसको चाइल्ड आइकन आइकन्स डॉट ऐड, ये ऐड का आइकन पे हमने दे दिया। अब मैं जैसे इस बटन को प्रेस करूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे वैल्यू जो भी हो वो इंक्रीज़ हो। ओके सो अब बारी आती है हमारे गेटएक्स की, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक गेटएक्स कंट्रोलर बनाऊँगा, एक कंट्रोलर जिसके थ्रू मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकूँ, ठीक है। मैं इसको नाम दूँगा माई कंट्रोलर डॉट। ओके तो अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ इस प्लस के आइकन को, ठीक है, तो हमारी जो भी वैल्यू हो वो प्लस वन हो जाए, यानी इंक्रीज़ हो जाए। तो ये हमारे कंट्रोलर के पास जाएगा, ठीक है, कंट्रोलर के पास, एंड वैल्यू इंक्रीज़ करेगा और यहाँ पे आउटपुट देगा। ओके सो कंट्रोलर के लिए क्या करना है, आपको एक क्लास बनानी है। क्लास का नाम देंगे हम क्लास माई कंट्रोलर, और उसको एक्सटेंड करना है किससे, गेट एक्स कंट्रोलर से। अब हम एक्सटेंड क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली इनहेरिट करने के लिए चीज़ों को। गेट एक्स कंट्रोलर, तो ये मेरा कंट्रोलर यहाँ पे बन चुका है। ओके अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा काउंट नाम से, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी ज़ीरो। ओके सपोज इंटीजर लिया मैंने, एरर आ रहा है। ओके सो बेसिकली मैंने गेट इंपोर्ट करना था, मैंने गेट स्टेट मैनेजर यूज़ कर लिया। ओके आर एक्स इंट, अब जो बेसिक हमारा होता है डेटा टाइप इंटीजर, वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली ज़ीरो या ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब आर एक्स इंट मतलब ये है रिएक्टिव स्टेट में, ठीक है। सो जो भी वैल्यू होगी वो इसको सेंस कर लेगा या लिसन कर लेगा एट द रियल टाइम, तो वो वैल्यू को ईजिली अपडेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया काउंट का बेसिक वैल्यू लाइक ज़ीरो होना चाहिए। और अब मैं फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन क्या, इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाऊंगा। और इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारी काउंट की वैल्यू है, काउंट की जो हमारी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, उसको कर देगा काउंट प्लस वन, यानी वन से इंक्रीज़ कर देगा जब भी हम वैल्यू को हिट करेंगे, ठीक है, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। सो काउंट की वैल्यू अभी ज़ीरो है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे इंक्रीमेंट को, तो ये काउंट की वैल्यू को प्लस वन कर देगा, ठीक है। ये हमारा काम हो गया भैया गेटएक्स की साइड से, ये हमारा एक छोटा सा गेटएक्स का कंट्रोलर बन गया, हमारा काम यहाँ से हो गया है ख़त्म। अब हमको यहाँ पे जो है वैल्यू वो शो करनी है, इनिशियल वैल्यू ज़ीरो, उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए पहले मैं यहाँ पे अपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज़ करूँगा, कैसे, फाइनल हमने कंट्रोलर का नाम दिया था माई कंट्रोलर, ठीक है। अब इसका एक इंस्टांस क्रिएट कर लेता हूँ मैं कंट्रोलर, उसको करूँगा गेट डॉट पुट, यानी हमारे कंट्रोलर को यहाँ रखो, इसे बेसिकली कोडिंग की टर्म्स में डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। सो ये मैंने मेरा कंट्रोलर यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, और उस कंट्रोलर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, कैसे, डॉलर सिंबल कंट्रोलर डॉट काउंट। सो वैल्यू हमने यहाँ ले ली, और जैसे मैं रन करूँगा आप देख सकते हो यहाँ पे ज़ीरो जो है हमारे पास आ चुका है, ज़ीरो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे इस बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे ज़ीरो की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सेम ओन प्रेस्ड कंट्रोलर डॉट इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करूँ यहाँ वैल्यू ज़ीरो से वन हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये वन हो गई, देन टू एक बार और प्रेस किया टू। बट अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आप तो बटन प्रेस करने के बाद रिफ्रेश कर रहे हो, देन चीज़ें वहाँ पे जो है डिस्प्ले हो रही है, अब ये ऑटोमेटिक कैसे किया जाए, लाइक बटन प्रेस क्या हो रही है रिफ्रेश करने की ज़रूरत ना पड़े। सो उसके लिए क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर चीज़ को जो हम अपडेट करना चाहते हैं उसे हम रैप करते हैं या तो गेट बिल्डर से या OBX से। अब गेट बिल्डर क्या करता है, वो पूरे हमारे UI को रीबिल्ड करता है, बट OBX जो होता है ऑब्जर्वर, वो क्या करता है, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को ही जो है हमारे लिए रीबिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिया OBX, ठीक है, चाइल्ड को हटाऊंगा मैं एंड एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। सो हमारे एरर्स भी सारे हट चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं अगर पूरी ऐप को आपके लिए रिस्टार्ट करूँ तो आप देख सकते हो काउंटर अभी हमारा ज़ीरो है, प्लस बटन है। अब मैं रिफ्रेश चीज़ें नहीं करने वाला हूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ बटन को प्रेस करूँगा तो आपका काउंटर जो है इंक्रीमेंट होगा कुछ इस तरह से। सो ऐसे जो है आपका गेटएक्स काम करता है, ऐसे जो आपका गेटएक्स है वर्क करता है, ठीक है। सो ये मैंने जैसे जैसे प्लस किया वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। ऐसे ही आप जो है डिक्रीमेंट का फंक्शन बना सकते हो, कैसे,
आपने जो ये इंक्रीमेंट का बनाया सेम नीचे void decrement ये फंक्शन, आपको क्या करना है काउंट। अब पहले आपको क्या करना है, चेक करना है क्या हमारा जो काउंट है अभी जो हमारा काउंट है ठीक है क्या वो ज़ीरो तो नहीं है। मतलब अगर ज़ीरो हुआ तो आप इंक्रीमेंट कर ही नहीं सकते हो ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि क्या हमारे जो काउंट की वैल्यू है अभी इनिशियल क्या वो लेस देन या इक्वल टू ज़ीरो के। अगर हाँ तो कुछ मत करो या एक पॉपअप दे दो क्या प्रिंट की द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो ठीक है। तो ये हमारे पास टर्मिनल प्रिंट हो जाएगा। एल्स क्या करो काउंट की वैल्यू जो है काउंट में से माइनस कर दो वन, काउंट माइनस वन ओके। सो हमने इतना किया और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और बटन बनाएंगे कहाँ पर हमारे बॉडी में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक कॉलम लूँगा। अब इस कॉलम में एक बटन लूँगा क्या एलिवेटेड बटन, जिसको मैं प्रेस करूँ तो क्या हो वही डिक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो टेक्स्ट डिक्रीमेंट। और उसको मैं प्रेस करूँ तो क्या हो कंट्रोलर डॉट डिक्रीमेंट, यानी डिक्रीज हो जाए वैल्यू ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि आपकी वैल्यू जो है 77 है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इंक्रीमेंट करूँ मैं सॉरी डिक्रीमेंट करूँ मैं ठीक है। पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेंटर, सेंटर नहीं हुआ। सो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी होती है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अब इसको जो है सेंटर में हमने कर लिया ओके ग्रेट ठीक है। सो अब जैसे ही मैं इसको प्लस वन करूँगा 78, डिक्रीमेंट करूँगा तो 71। ये देखो डिक्रीमेंट। तो इसे मैं डिक्रीमेंट कर सकता हूँ, इससे मैं इंक्रीमेंट कर सकता हूँ, ऐसे हमारा गेटेक्स यूज़ होता है। अब जो हमने स्टेटमेंट दी थी कि यार द वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, हमें ये प्रिंट करके देखनी है। तो क्या करेंगे, हम पूरा रीलोड करेंगे वापस से ऐप को रीसेट करेंगे। अब अगर मैं इसको डिक्रीमेंट करूँ तो आपको यहाँ पास यहाँ टर्मिनल में जो है आ जाएगा एक एक्सेप्शन कि द वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। बट ये तो टर्मिनल की बात हो गई, अगर आपको वैल्यू यहाँ पर देखनी हो ऐप में तो आप क्या करोगे ठीक है। सो गेट एक्स में एक होता है स्कैफोल्ड करके स्नैक बार करके ठीक है, उसको आप प्रिंट कर लोगे गेट डॉट स्नैक बार। और इसमें आप टाइटल दोगे, टाइटल क्या भैया एरर है। एरर क्या एरर है, एरर ये है कि जो आपकी वैल्यू है योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स वाई वी कांट डिक्रीमेंट इट ओके। तो ये मैसेज मैं जो है दूंगा। अब अगर मैं डिक्रीमेंट करूँ तो आपके पास यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि योर वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, दैट्स वाई वी कांट इंक्रीमेंट, अदरवाइज इंक्रीज कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से जो है काम करता है हमारा गेटेक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड फुल वीडियो लाऊंगा कैसे आप डायनेमिकली डेटा हैंडल कर सकते हो। ये एक बेसिक वीडियो था, बेसिक ट्यूटोरियल था जिसके थ्रू आप गेटेक्स से जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऐसे बेसिक फंक्शंस यूज़ करके आपकी एक बहुत अच्छी मोबाइल एप्लीकेशन या स्टैटिक प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।